उनको अच्छा नहीं लगता, काम कर ये कर वो कर ऐसे बोलते रहते बोलते रहते। तो 2-4 दिन ऐसे उसके ना नानी के साथ हमारे साथ ऐसे ही चलता रहा कि तू ये मत कर, तू मोबाइल मत देख, तू टीवी मत देख, तू अभी ऐसे कर वैसे कर, अभी हम जा रहे हॉस्पिटल आ रहे हॉस्पिटल ऐसे, मतलब जिम्मेदारी सारी घर की इसके ऊपर आ गई। तो टेंशन इसको भी था हमको भी था, तो हो गया जो होना था। सबको सबको सॉरी बोलना कि आगे से ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं करना आगे से, किसी ने भी ऐसा नहीं करना है। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरा ये डिसीजन रॉन्ग था। मैं जब ट्रेन में बैठी तो मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं गलत जा रही हूँ। लेकिन ऐसे भी था कि अगर मैं ट्रेन में से मम्मी पापा को फ़ोन करूँगी और बोलूँगी कि मैं अभी गाँव जा रही हूँ तो वो और टेंशन में आ जाती कि अकेली है ट्रेन में, इसीलिए मैंने कॉल भी नहीं किया। मैंने सोचा मैं घर चली जाऊँगी, गाँव चली जाऊँगी, वहाँ से मेरी बड़ी मम्मी कॉल कर देगी और बोल देगी कि मैं पहुँच गई हूँ आराम से अच्छे से, तो फिर मम्मी पापा नहीं डांटते। इसीलिए मैंने डर डर में मम्मी पापा को ट्रेन से कॉल भी नहीं किया। मैंने सोचा मम्मी पापा और ज़्यादा टेंशन ले लेंगे और परेशान हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं अब सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। आगे से मैं ऐसे कुछ भी नहीं करूँगी और किसी और ने भी ऐसा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया है, काव्या ने सबसे माफ़ी मांगी। हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट की थी, उसमें भी लिखा है उन्होंने कि माँ बाप का हक है डांटने का, बच्चे का रूठ जाने का, पर ये डिसीजन नहीं है कि घर छोड़ना। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।